आज पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इतने परेशान कुन हैं कि पाकिस्तान के अगर 24 करोड़ आवाम हैं उसमें 23.5 करोड़ आवाम परेशानी के आलम में डूबे हुए हैं। किसी के पास खाना नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है, कोई बच्चों की तालीम के लिए पैसे नहीं दे सकता, कोई बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता, कोई अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकता। बहुत से घराने ऐसे हैं जो कि एक वक्त का खाना खाते हैं, उनको दो वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है। लेकिन हमारे हुक्मरान हैं जो कि अपने अलल्लों तलल्लों और अखराजात में इंतहा किए हुए भीख मांगने के लिए हर जगह जाते हैं, लेकिन जब भिखारी देने वाले को लेने वाले को देखता है, देने वाला, तो वो खुद परेशान हो जाता है कि ये मुझसे लेने के लिए आए हैं या मुझे कुछ देने के लिए आए हैं। लेकिन फिर वही वही यही सवाल होता है कि मेरी आवाम भूखी मर गई। भाई आवाम भूखी मर रही है, आप नहीं मर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ गुज़श्ता दिनों जब तुर्किया के दौरे पर गए तो इन्होंने वहाँ पे आम भेजे थे तुर्किया के प्रेसिडेंट के लिए। तो वहाँ पर इतनी इन्होंने जो बात की वो क्वेश्चनेबल है कि आधे आम आपकी बेगम के लिए हैं, आधे आम आपके लिए हैं। वज़ीर आज़म साहब, आपको ये इलम होना चाहिए कि पाकिस्तान में वो कौमें तरक्की करती हैं जो मियाँ बीवी घर में एक होते हैं। लेकिन जिनकी पांच पांच सात सात बीवियाँ हो ना और ये पता ना हो कि बीवी कौन सी किसकी है, वो फिर ऐसी बातें करते हैं।